सरस्वती मैया तुम बड़ी मैं धरूं तुम्हारो झा, बालक जान क्षमा करो ओ मैया में लड़का नादान, मैं लड़का नादान शरण में आयो थारी। सरस्वती मैया मोटी माय तो लाज रख दी जो मारी। श्री हरि राम महाराज री तो कथा कहूं चितलाय, बालक जाने क्षमा करो हो मैया में लड़का नादान, मैं लड़का नादान शरण में आयो थारी। सरस्वती मैया मोटी माय तो लाज रख दी जो मारी। तो सुनो भाई और बहना, मारवाड़ नागौर जिला में एक छोटा सो जोरड़ा गांव है और दुनिया में बड़ो नाम है, बटे हरिराम जी महाराज जन्म लियो ब्राह्मण कुल में, वे कैसा पर्चा दिया हुआ छोटी सी कथा आपके बीच पेश कर रही हूँ। और वैसे हमारो गांव जोरड़ो ही है, पर फिर भी कोई भूल चुक कोई भी जावे तो मैंने आप और बचो समझ कर माफ कर दीजिए। बड़ी सुंदर कथा। ओ हरि राम जिन जावे जारा वो दुख मिट जावे, वो दादे ने मनावे जा रहा दुखड़ा मिट जावे वो। भाई रे तोरारी धरती में साचो देवता, पढ़ चु करो अवतारी सातवो देवता। हरी राम जी ने ध्यावे जा रहा दुखड़ा मिटे जावे जी। और कलयुग में अवतारी साचो देवता। एक समय की बात है, अरे कि जोरड़ा में संत रामाकृष्ण जी पधारे, हाँ तो गांव जोरड़ेरा लोग गुरु जी का चरण सुनवा से जावे, हाँ तो बटे हरी राम जी भी जावे और कई बात बन जावे। देखो वो नगरी जोरेड़ा में गुरु जी पधारिया, पर नगर है जोरेड़ा में गुरु जी पधारिया, बस तीरा पावा लागण है जालिया। ओ भाई ने बस तीरा पावा लागण है जालिया। ओ सारी बस तीरा लोग पावा लागण ताया, वो सारी बस तीरा लोग लारे तो चालिया रे हरी राम जी। रे भाई रे लारे तो चालिया रे हरी राम जी। अरे सारी बसती रा लोग पाछा घराने आया जी, सारी बसती रा लोग पाछा घराने आया वो, बटे सेवा में ला क्या रे हरी राम जी। रे भाई रे सेवा में ला क्या रे हरी। धरती में साचो देवता, पल
श्याम जी महाराज की के नगर जोहरड़ा में गुरुजी पधारिया बस्तीरा पावा लागण चालिया सारी बस्तीरा लोग बट पावा लागण चालिया जी। अब लारे तो चालिया रे हरिराम जी, सब लोग आशीर्वाद लेकर घर चले जावे पर हरिराम जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में लाग जावे। हाँ अभी टाइम हरिराम जी महाराज 17-18 साल रह जा मार जीता या और गुरु जी ने प्रणाम करे। हम पहला लोग प्रणाम करता रामा श्यामा करता नमस्कार करता पर आज का सीधो ही भेदो भेदो के टाटा बाई बाई। हाँ पर हरिराम जी महाराज जगह गुरु जी ने जार प्रणाम करे पर बोले हे गुरु जी मने जाड़ो सिखाओ। गुरु जी के बेटा तू कौन है किसी के आयो है काहे थारे पिताजी रो नाम है काहे थारे माताजी रो नाम है एड्रेस पतो दे भाई आधार कार्ड दे भाई। हाँ तो उन टेम हरिराम जी महाराज बोले गुरु जी मन थे जाड़ो सिखाओ मैं जाड़ो सीखन वास्ते आया हूँ। गुरु जी के बेटा तू तो दिखे छोटो ही है अरे मखाना और ले जा घर जाबरे। हरिराम जी बोले मैं प्रसाद को भूखो को नहीं गुरु जी मने जाड़ो सिखाओ मैं पर उपकार करना चाहूँ सेवा करूं मैं। हाँ मारी नगरी ने मायने सांप घना है और सांप है जगह डस जावे तो बे लोग है जगह मर जावे इरो आज तक मने जाड़ो सिखाओ। तो गुरु जी देखे और बेटो दिखे छोटो ही और बाता करे मोटी मोटी पूछा जरी कौन है तो कहीं गुरु जी पूछे कहीं हरिराम जी बताओ यार कहीं आपनी राम सभा अरे कहीं थारो नामी वो कही जे छोटा बाल कहे कहीं थारो नाम कही जे छोटा बाला रे अब किनरे दुखड़े सु सेवा लागियो रे बेटा किनरे दुखड़े सु सेवा लागियो हरिराम जी महाराज बोले गुरुजी हो हरि रे राम मारो नाम गुरुजी मारावो हरि रे राम मारो नाम गुरुजी मारावो मैं कोई सरपहाड़ है दुकड़े सु सेवा लागियो हो गुरुजी महाराज सरपहाड़ है दुकड़े सु सेवा लागियो ओ जोशी जी ने जावे जारा तादे ने मनावे जारा दुकड़ा मिटे जावे धोरारी धरती में साचो देवता अब कल करो अवतारी साचो देवता रहो। तो गुरुजी बोले बेटा हरिराम बेटा कहीं थारो नाम कहीं जे छोटा बालक रे अरे अब तो किन दुखड़े सु सेवा लागियो कहीं थारो नाम है कहीं थारे दुख यो जगु तुम्हारे सेवा लागियो है छोटो ही दिखे बेटा। हरिराम जी बोले हरि रे राम हरो नाम गुरुजी महारावो और मैं कोई सर पर है दुखड़े सु सेवा लागियो हे गुरुजी हरिराम हरो नाम है अरे और दुनिया बहुत दुखी है ई धरती पर जहरी श्याम बहुत ज्यादा फैल गया गुरुजी आपने जाड़ो सिखावनो पड़ी गुरुजी आपने जाड़ो सिखावनो पड़ी। तो गुरुजी के बेटा ओ कोई जाड़ो पार ले जी बिस्कुट आड़ो पैकेट कोनी जको तने दे दे और तो कोई ने श्याम खाई बिन टुकड़ो तोड़ दे दे तैयार हो जाए। बेटा कई नियम कई आरा जाप करना पड़े जन जार तने वो जाड़ो सीखी जेला। हरिराम जी बोले गुरुजी जो भी करनो वो मने बताई दो मैं वो करने तैयार हूं। क्यों के दिन रहली हलियो बावे सांझ पड़िया घर आवे वो के दिन रहली हलियो बावे रातियों घर आवे वो पछ कोई सूता ने पी जावे देरी पीवणो गुरुजी महाराज सूता ने पी जावे देरी पीवणो
लधोरिया पर कला थरणावे गुरु जी पूजा में खुखावे बेरण बांडली गुरु जी महाराज पूजा में थरणावे बेरण बांडली कोई जहर तो फैलावे सारे शरीर में गुरु जी महाराज जहर तो फैलावे सारे दिल में अरे जो सीजी ने गावे यारा नादे ने बनावे जाड़ा दुखड़ा मिटे जावे वो भाई तोरारी धरती रो सातो देवता अब पल जुगनो अवतारी हरिराम जी महाराज की बोले दिनरा हली हलियो बावे शांत पड़िया घरे आवे जी और कोई सूता ने पी जावे बेरी पीवनो गुरु जी पूरे दिन किसान लोग खेता में काम करे और शाम रा खा रोटी रे सोवे सुबह ने तो रामपुरी की टिकट कटुड़ी तैयार मिले गुरु जी यान गयान का शाप है आपने झाड़ू सिखाणो पड़ी के एडी चाले टेडी चाले टेढ़ा डंक लगावे वो कोई जहर तो फैलावे सारे शरीर में गुरुजी एडी में बटको बरजना ठेड़ छोटी में चटको चाले 250 वोल्ट रो करंट आवे गुरुजी इरवा से आपने झाड़ो सिखावनो ही पड़ेला पड़ेला तो उन टाइम गुरुजी बोले बेटा चाल मैं तने झाड़ो सिखाऊ लेकिन तीन बातें मांगो तने विशेष ध्यान रखनो पड़ी थारो बेड़ो पार है तो काई तो गुरु जी पे तीन बाता बतावे रे काई हरिराम जी सुने रे काई आपने राम सभा सुना है हो कलयुग में कमारो रेणो अरे पड़सी छोरा हरियारे रे कलयुग में है कमारो रेणो पड़सी छोरा हरियारे रे कलयुग में है कमारो रेणो पड़सी छोरा हरियारे कोई बाला जीरो खेणो पड़सी धूपियो बेटा बाला जीरो खेणो पड़सी धूपियो चला भजन करो रे भगवान रा बेटा भजन करो नी भगवान रा जारा मनावे टुकड़ा मिटे जावे वो अब धोरारी रे धरती रो सासो देवता बेटा हरिराम गुरुजी बोले कि कलयुग में कमारो रेणो पड़सी छोरा हरियारे अरे शादी कोनी करनी हां कोई बालाजी रो खेणो पड़सी रुपयो दोनों टाइम जोत करनी पड़ी बेटा हां और ऊंच नीच रो भेद मत राखी छोरा हरियारे अरे पछे भजन करो नी भगवान रा पछे बेड़ा पार है बेटा अरे शादी कोनी करनी बात एक हनुमान जी महाराज रो धूप ध्यान करनो बात दो और कोई जाति पाति रो भेदभाव मत राख जे हुई बात ए तीन बात है बेटा बोले मंजूर है गुरु जी बी दिनी गांव जोड़े रे मायने मेघ वैशा के जागन हुए के हरिराम जी महाराज ढोलक सुनी रुई का रवाना हम चोटी करी शिकर सीता न कोई फिकर फिकर कह की क्यों के फिकर सबको खा गई फिकर सबकी पीड़ फिकर की फाकी करे तो उनका नाम फकीर
फकीर फकीर केनो हो रो बणनो दोरो है भगता तो राम जी महाराज रात भर वा मेघ वैशा के सत्संग करे और पलटा जी में सुबह ले लाडू रो प्रसाद घरे आया चार बजे। हाँ चार बजे सुबह सुबह अठने बे काको जी है नी हरी राम जी रा भाई आज का सुबह सुबह बालाजी रे सेवा पूजा करने जाऊं था। अरे शाम मिल गया। हाँ जने शाम ही मिल गया काको जी के रे बेटी रा बाप हरी राम रात रानू कनू आयो रे फिर तो फिरे बेटा बोले मैं तो मेघ वैशा के जागरण में गयो सत्संग में गयो मैं। हाँ तो काको जी के रे बेटी रा बाप आपा दाईमा ब्राह्मण और तू मेघ वैशा के जागरण में गयो तने शर्म को नहीं आई धर्म भ्रष्ट कर दियो तो उठे हमारी राम जी महाराज कह काको जी मेरी बात सुनो धर्म भ्रष्ट को नहीं करियो मैं तो हावड़ी करियो काम कि जात पात्रो कारण नहीं तो सिमरे जारो साई सिमर सिमर निर्भय भया देवा दर्शा दे रे माही। हाँ हरी राम जी महाराज कहे काको जी जात पात्रो कारण नहीं सिमरे जारो साई सिवर सिवर दे रे भे भैया देवा दर्शा दे रे काको जी आ जात पां तो संसार बनाई है भगवान रे घर से देख या दिमाग में राखो काको जी। अरे बट हगड़ा एक ही कंपनी में आवड़ा है हम काको जी एक सिंडे रे एक उतरे हम ही बोल के बती हिदा गिया भाग्या भाग्या घरे नॉन स्टॉप जा रे हरि राम जी रे पिताजी आनी राम नारायण जी बने जा रे करो भाई जी ये हरि राम ने स्कूल भेज दो बोले काई यो साहब ए यो बोले काई रात राम मेघ बड़ा के जागना में जावे और बटू लाडू लावर पूरे घर में हेड़ियो भेड़ियो कर दे और आपा ने के भी कोनी भाई बटू लाया बांट दे हगला ने। हां तो के तो भगवान रो प्रसाद है रापा रे क्या जात रा बामण। अरे अरे ओ तो मेघ वैशा रो खड़ा हो आपा ने। हां तो उठे में हरि राम जी रा पिताजी आज का हरि राम जी ने बुलावे बोले बेटा हरि राम आना या भेड़ियो कौन काम चाले बेटा मोटो हुई गो पड़ो बेटा पड़ो या गांव में फिरियाऊं की कोनी हुए। अरे हरि राम जी क्यों पिताजी काई पड़ू मने तो सगड़ो आवे चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराण की पूछ तो मने सगलो याद है। हाँ तो जबरदस्ती स्कूल डाले भक्तो जबरदस्ती कोई काम करो तो पछ बो उल्टो ही करे उल्टो थोड़ी करे क्योंकि बिना मनरा पावना घी गालू के तेल संडा संडा आर बैठ जाओ सासु जी पकड़ लागू। हाँ तो हरि राम जी महाराज ने जबरदस्ती स्कूल डाले अब जबरदस्ती गया और भक्तों बेटा आगे स्कूल रे मायने मास्टर जी के गाल देवे एक बात याद आएगी एक पावणा जो को हास रे गया जो 15 दिन री मेल दी बट्टी हास जी आंती आ गया गरम गरम फलका गाल गाल रे काटा काया होगा एक दिन पावणा रे फोन आ गयो गांव क्यों गांव आवे के नहीं रे काई हास रे बैठो जणबो के हासु मा आज मन गांव जानो पड़ी हासु जी के जानो तो पड़ी हम आज अपन मारवाड़ में रीति रिवाज है पावणा रवाना वेदना आप घर में जेड़ो वेदड़ो तिल कार्ड 5 रुपया 2 रुपया हाथ में दिया कर अब पावना पूछे हासू मा तिल कार्ड तेरे मुंडो कठिन करू हासू जी काटा दुखी उड़ा गया मुंडो करो थान घर का नहीं छोड़ा ले दिन 15 ये है। अरे हाँ मैं निवेदन करूं जो टाबर आटे बेड़ा 4-5 दिन बेटा रम रहा है फोन में निवेदन करूं थोड़ा सा गाने चुप रखो टाबरियो। तो इसी प्रकार हरि राम जी महाराज स्कूल ने मायने गया आगे मास्टर जी के गाल देवे अरे के हरि राम जी पर 12 खड़ी कर दे देवे हेलो मास्टर जी गिनती लिख कर देवे हरि राम जी पावड़ा लिख कर दे देवे आशा मास्टर जी ढांके गई 3-3 फुट लार गुद्दी में बोला भाड़ा तो पढ़ ना आयो का पढ़ो ना आयो है कंप्यूटर लायो आगे। हां मास्टर जी के बोले बेटा बोलो केस कबूतर हरि राम जी क्यों मैं कबूतर बोलू ने कोई खरगोश बोलू ने कोई गाय बोलू मारे सत्संग को कोई अलग है मास्टर जी। और थे सुनो मास्टर जी कको मारो कको सत्संग को तो मास्टर जी वो कको सुनावे थे भी सगला ध्यान लगाए सुन जो के कक्का कर्म सुधारो थारो खक्का खो ना बिरथा जमारो गग्गा गर्भ ना दिल में धारो गगा गोर करो घटमा एक दिन जावणो रे बीरे थारो मिनक जमारो पाछो बार बार नहीं आवणो रे चचा चतुर बनो नर नारी छचा छल ने तज दो सारी जजा जस लीजो थे बारी जजा ओ झूठो यो संसार मन बहलावणो रे बीरे थारो मिनक जमारो बार बार नहीं आवणो रे टट्टा टेक राख जो थारी
ठट्टा ठगनी तस तो सारी, डड्डा डोलो मत मतवारी, आ डड्डा डली जवानी जा, ये फिर पिसावणो रे बीरे थरो मिनक जमारो बार बार नहीं थत्ता तरवर सेती काया। ओ भगवान अपने मान को जमारो दियो रूंखड़ो चलतो फिरतो। हाँ किताब फूरा लगा देखो सगला बेटा बिना स्ट्रिंग रो। हाँ देखो ते नाग रे जिगे नाग आंखिया जिगे आंखिया हाथ कान और पग जिगे मत लगाया है। अब थोड़ो विचार करो, विचार विमर्श करो, भगवान करियो तो कोनी फिर भी विचार विमर्श करो। ओ भगवान नाक अट लगाया है, ओ अट नहीं लगा रट बुद्धि में लगा देता चढ़ा मुंडो या तो तीन चकल टेम्पू जो। हाँ तो भगवान नाग ऋषि क्या नाग दियो है आई क्या दिए तो दो दिए दिख तो एक ऊंची आलो थे सगड़ाई दिखो मना लो दिखी है। पर भगवान ने ठा हो के आगे कलयुग आई। अरे कलयुग रे मायने कई तरह का वाहन बनी, फोर व्हीलर टू व्हीलर हाँ तो टू व्हीलर हुई और एक आंख दे वो एक आंख रो धनी फिर टू व्हीलर ने ले रहा है वे रोड माता चढ़ी चढ़ता है एक आंख हुई भी एक आंख में मसर पड़ी पड़ता ही अल्लाह सो गोविंदा नमो नमः है। हाँ जिन भगवान दो आंख दी भाई एक आंख मसर पड़ते एक वहां पर दे कर रोक सका कंट्रोल कर सका। हाँ और काम दिया तो दो दिया उन्हीं जता छेगला माकर है खड़ा माकर बिल्ला माकर ए डेढ़ भाई दोर मर काट के लगे ऊपर छाजा। ए फालतू ही कोनी है, ए फालतू कोनी भक्तों भगवान ने ठा भाई जीवड़ो बुढ़ो तू हुई है। हाँ अरे उम्र सर सुषमा सगला लगे आठ सभा में कई जनार लगुड़े। अरे एक बार भाई साहब स्टेज में बैठा आ रही लगुड़ो देख लो बोले तो चश्मा उम्र सारू सगला लगे। तो भक्तों भगवान ने चश्मे स्टैंड दिया अपन स्टैंड ए नहीं होता तो चश्मे वास्ते कोई सुतार करने जा रही है थोड़ी क्या होता साहब चश्मो लागे जो दिमाग रे ढेवली मत खिली ठोको जो अटका वाटे ए तो ए बनाया पर छाजा। तो भगवान कोई नहीं कमी रखी यहाँ पर है पर आपा भगवान के भजन में कमी रख रहा जन केवे भी कक्के में हरिराम जी महाराज के तत्ता तरवर से ती काया थत्ता छिर नहीं थारी माया दद्दा दिल में दाग लगाया दद्दा धर्म पर चरणा भाया नन्ना नीच कर्म कर आपो आप नरक में बीरे थरो मिनक जमारो बार बार नहीं आवनो रे। और के पप्पा प्रेम रखो सब प्राणी पप्पा फेल फिजूल फेलानी बब्बा बोलो इमरत वाणी बब्बा क्यों भूलियो भंवर सुजानी मम्मा ई मो माया ने छोड़ अकेलो बीरे थरो मिनक जमारो बार बार नहीं आवनो रे। और ये अवसर फिर नहीं हाँ और ररा रखो राम घटमाही लल्ला लक्ष्मी देह को पराई वबा वास करो शुभ ठोर शुभ गति पावना रे बिरथ हरो मिनक जमारो बार बार नहीं आवनो रे। और ससा शुभ कर्मा में लागो ससा सटपट ने ते त्यागो ससा सत से दूर मती भागो आहा हाथ कमायो खाणो नहीं पिस्तावनो रे बिरथ हरो मिनक जमारो बार बार नहीं आवनो रे। और छक्षा क्षेत्र बड़ो बलकारी त्रेत्रा त्राय त्राय कर हारी यज्ञा ज्ञान करो त्रियकाल बुद्ध जन समझाणो रे बीरा थारो मिनक जमारो बार बार नहीं आवणो रे। धन जोबन परिवारो दोई दिनारो पावणो रे। ओ कको सुनायो मास्टर जी और ओ जे थाने चोको लगे तो एक बार जोरदार ताली बजाओ दे गाड़ी हाँ कुल मिला सगला सुन रिया है। तो भक्तो हरिराम जी कको सुनायो मास्टर जी समझ में आ गई कि भाई वो टीसी आपने नहीं दे दे आपने फेल पास नहीं सुना देवे। अरे छुट्टी कर दो इरी। हाँ मास्टर जी क्यों अल बेटा टीसी ले जा घरे तू पास है। हरिराम जी महाराज बा टीसी ले और हनुमान जी महाराज के चरणा में जाकर रख देवे और भजन करनो क्योंकि माने भजन ही करनो भक्ता हामी मंदिर स्कूल है। हाँ अब खुद भजन करे जगह करे भाई स्कूल ही हामी तो बा आधी छुट्टी होती नहीं रेशी बीटे हमारी राम जी महाराज है जगह हेलो कर देता है स्कूलिया ने। हाँ बोले छोरा आज और क्रिकेट ने करा कहीं दड़ी गेड़ी रमो रोजू घंटी लागने में 10 मिनट बढ़िया है कहीं फुटबॉल खेलो रे। हाँ आ जाओ तो कहीं तो बे हरी राम जी महाराज कीर्तन करता है किया बे छोरा करता है किया अपनी राम सभा। हाँ Thank you.
वर ना कर नंदा ये फजोरे मन गोविंदा यट वर ना कर नंदा वो फजोरे मन गोविंदा हरि सावली सूरत मुख चंदार भज मन गोविंदा वो सब देवा में श्री राम जी बड़े हैं सब देवा में श्री राम जी बड़े हैं जय सीता रे पीछे चंदार भज मन गोविंदा जय सीता रे पीछे चंदार भज मन गोविंदा सब सतिया रे मैने सीता जी बड़ी है ओ सब सतिया में सीता बड़ी है ओ जैसे नदिया रे है बीच गंगा भजे मन गोविंदा जैसे नदिया बीच गंगा भजे मन गोविंदा ओ नट बजना गर नंदा और भक्तों हरिराम जी महाराज कीर्तन करता आज बहुत बड़ा संत था जका कीर्तन करता किसी के भी जागरण सत्संग में जाऊं था बटे कीर्तन करता तो आज मैं देखूं बटे बीकानेर बंगला नगर रमाइने भगत बेला गणाई हुई है बड़े कीर्तन कौन कौन करे सिर्फ एक मिनट में आप रो ले रही हूं जिके मैं आप सभी कीर्तन बोलोला अरे कई कई घरों हो चरी आवे कि आज राजू स्वामी चाहे कितो ही कहते अपन बोलनो ही कोनी कठो बैठो रहनो है माने तो मैं कहूं कोनी बाकी जो भाव और प्रेम सो आया है बे मीठी मीठी ताली के साथ रे मायने कीर्तन बोलोला गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि हां माता बिना हां गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि मैं निवेदन करूं भाई लोगों की तो आवाज आएगी अब भाई लोग थे रुको एक बार और माता बेना री भी संख्या काफी है तो खाली माता बेना बोले ला गोपाल बोलो गोविंद हाँ गोविंद हाँ गोविंद बोलो हरि हाँ राधे रामायण गोविंद बोलो दे रामायण हरि गोविंद बोलो देहो बहुत अच्छे
महाराज की। इसी प्रकार हरिराम जी महाराज इस पूजा ने कीर्तन में लगा दे। गांव का लोग बोला राम नारायण जी ये हरिराम ने थे समझा लो नहीं तो पसंद मैं समझा। अरे आको दिन कीर्तन करावे। हाँ बोले पहला मैं समझाऊं बस थारी बारी है। तो राम नारायण जी हरिराम जी ने एक झोपड़ो बंदा देवे और बोले बेटा हरिराम तने भजन ही करणो है नी कोई झोपड़े मायने बैठ भजन कर एक आसन पर। हाँ हरिराम जी महाराज माने भजन करनो भाई तो झोपड़े मायने जार बैठ जावे। छह महीने तक बोलिया कोनी मून जाल कर और भजन भजन करे रात दिन। हाँ और छह महीना के बाद एक दिन हरिराम जी महाराज झोपड़े बाहर निकलिया। अटी ने हरिराम जी महाराज रे काकर बैठा भाई ने श्याम डस गयो। हाँ काको जी झाड़ा कर रहे जावे ऊंट लेर हार लगाओ जना। हरिराम जी महाराज बाढ़ मात कर पूछो काको जी खट्टे जाओ। काको जी के टोक दियो नहीं कहने नहीं हाचे जी बताई दो थे आज कट जाओ। काको जी कह चुप चुप हो जा राजस्थान में तीन कटकरा बहुत बुरा है दो इतने कह दियो जे तीसरो कह दियो तेरे काको लागू आठे को आठी राख दूंगो। सोसा थारा मन का माई। हाँ तो टाइम हरिराम जी महाराज धीरे से के काको जी कट जाओ। काको जी कह रहे बेटी रा बाप तीन कटकरा दे दिया जाओ जरा तू मने राखियो कोनी और पूछे और मने मारे बेटे ने खाई गो सांप और छोरो बंसे कोनी लाख आया बन। तो उठे मरी राम जी महाराज के सांप खायो है तो सांप ना ज्यादा आज काल में सीख यो देनो। हां पर गांव में रामकृष्ण जी आया नी बार कनो जाड़ो सीख यो मैं जाड़ो तो मैं देऊ और अब मैं चालो दे दू। काको जी के दे दिए झाड़ा बोलने को तो बेर गंदी झाड़ो देऊ किता कर दिया झाड़ा। हरिराम जी की जाड़ो तो आल कटी कौन दियो बौनी बटा घर ही सारू करा आज। अरे पहली बार। हाँ तो टेम हरिराम जी ने काको जी ने री सही के जना दे दिया जाड़ा पण अब भाई छोरो बंसे नहीं तो ही कोनी तू थाली मन में क्यों रखे दे दे जाड़ो कट करो दे जी जाओ जड़ी गोरियो नी। हाँ तो टेम हरिराम जी महाराज जी का जाड़ो देवे पर बार जाड़ो कहीं हो तीन बार कहूं तब के सिर्फ नहीं खायो सिर्फ नहीं खायो सिर्फ नहीं खायो। फणदारी सांप खायो फणदारी में आंखिया देखियो तो ऊटे मारी राम जी महाराज क्यों अरे आंखिया देखियो पण ई प्रकार रो मारो झाड़ो है। हाँ हरिराम जी ने झाड़ो सु लड़को दो दिन में एकदम तैयार हो जावे। हाँ और एक दिन हरिराम जी जगह बाढ़ मात कर पूछो कि किया काको जी बच्चे का तबीयत किया है। काको जी के कहो तातो ना बोल मारे भूल रे की रे मैंने शाम तो खायो ही कोनी मैंने कोई मकड़ो खायो ज्यादा जोर मारो कोई मकड़ खावे बाकी शाम खाजर तू चार कर दे देखो है तने। हरिराम जी महाराज क्यों रहे थे खुद ही क्यों फणदारी सांप खायो ने सांप खायो आंखिया देखियो अब थे को मकड़ो खायो है काम सरियार दुख बिस सरियार बेरी हुई या बेद। हां हद की विश्वास काम की कोई चीज ही कोनी मानो ही कोनी बेटा बापा उड़ी बात नहीं। बड़ा क्यों ओ हरिराम छोटो है तू नीचे धीरे बोल मैं जद माना के तुम्हारे एडवा चमत्कार बतावे तो कोई पर्चो दे। हां को पर्चो दे आगे देख भाई आगे यहां वही जन माना में। अरे हरिराम जी को चलो भाई बिया मानो तो आपने भी ठीक। हरिराम जी महाराज आगे सात दिन बाद को परसों देवे ताराचंद सेठ को छोटो सो 10 मिनट को परसों में आपके बीच पेश कर रहे हूँ फिर बाद में सुनीता जी कंवर आपके बीच भजन सुनावेला। हो गांव शिरो ही नाम अरे ताराचंद सेठ रे रे गांव सिरोही नाम तारा चंद सेठ रे गांव सिरोही नाम तारा चंद सेठ रे कोई जाति रा लावटिया कहिए पहाड़िया जाति रा लावटिया कहिए Thank you.
कोई रामेश्वर लाल ने नागण की बसी जोशी जी ने थावे जारा ए दादे ने मनावे जारा दुखड़ा रमिते जावे हो ना भाई रे धोरारी धरती में सासो देवता अरे कलजुगरो अवतारी सासो देवता राम जी महाराज की।